हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं नर्सिंग करियर चैनल दे उत्ते। सो रिक्वेस्ट आ सारिया नू चैनल नू सबसक्राइब जरूर कर लिया करो। तो स्टाफ नर्स का बाबा फरीद ने जो एग्जाम लेना वह भी नेड़े ही आ गया, सो सारे जने वीडियो जरूर देख लिया करो। आपां की टर्म्स करांगे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हैं, काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चनस ने विद आंसरस। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच द ह्यूमन बॉडी डिवेलप्स। सो ह्यूमन बॉडी कितों डिवेल्प होंगी है? सिंगल सैल जाइगोट। तो आंसर इज सिंगल सैल जाइगोट। सो अगे हैगा, वट आर द टाइप्स ऑफ सिंगल सैल डिवीजन। सो केड़ियां टाइप्स होंदियां ने सैल डिवीजन दियां? मिटोसिस एंड मेओसिस आर द टाइप्स ऑफ सैल डिवीजन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वट इज़ सैल टिशू। सैल टिशू की होंगे ने? सॉरी, ओनली टिशू। वट इज़ टिशू? लार्ज नंबर ऑफ सैल्स होंगे ने जिहड़े, उन्होंने आप टिशू कहने हैं। नैक्सट फोर्थ, वट इज़ हाइलेन कार्टिलेज। सो वट इज़ हाइलेन कार्टिलेज? मीन्स स्मूथ ब्लूइश टिशू प्रोवाइड फ्लैक्सीबिलिटी स्पोर्ट एंड स्मूथ सरफेस फॉर मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स। सो दीस आर द हाइलेन कार्टिलेज। नैक्सट फिफ्थ, वट आर द प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन की होंगे ने? एलबूमिन एंड ग्लोबिन्स आर द टू टाइप्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। नेक्स्ट सिक्सथ, वेयर द आरबीसीज विल विल बी प्रोड्यूस्ड। सो आरबीज कदों प्रोड्यूस होंगे ने? कितों होंगे ने? बोन मैरो। बोन मैरो प्रोड्यूस द आरबीसीज। नैक्सट, वट इज़ द मेजर फंक्शन ऑफ प्लेटलैट्स। मेजर फंक्शन की होंगे प्लेटलैट्स का? ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग इज़ द मेजर फंक्शनस ऑफ प्लेटलैट्स। नैक्सट, वट आर द लेयरस ऑफ हार्ट। सो केड़ियाँ लेयरस होंदिया ने हार्ट दियाँ? पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम एंड मायोकार्डियम आर द लेयरस ऑफ हार्ट। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट की टर्म्स ने, यह एक बार जरूर जा सारे जने वीडियो देख लियो। नैक्सट, वट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन। सो वट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन? द मेन फंक्शन की होंगे? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नू ट्रांसपोर्ट करना। नैक्सट टेंथ, वट आर द कॉमन ब्लड ग्रुप्स। कॉमन ब्लड ग्रुप्स केड़े होंगे ने? ए बी ओ, दीस आर द कॉमन ब्लड ग्रुप्स। इलेवंथ, वट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज। सो किन्नी लाइफ स्पैन होंगी आरबीसीज की? 120 डेज। ट्वेल्थ, वट इज़ द फंक्शनिंग यूनिट ऑफ लिम्फैटिक सिस्टम। सो केड़े फंक्शन होंगे है यूनिट्स ऑफ लिम्फैटिक सिस्टम दे? की फंक्शन करते हैं? है लिम्फ नोड्स एंड लिम्स आर द फंक्शनिंग यूनिट ऑफ लिम्फैटिक सिस्टम। नैक्सट थर्टीनथ, नॉर्मल नंबर ऑफ कार्डियक साइकल्स पर मिनट। किन्ना कार्डियक साइकल होंदा वा पर मिनट दा? नॉर्मल 60 to 80। फोर्टीनथ, वट इज़ कार्डियक आउटपुट। सो कार्डियक आउटपुट की होंदा? इट इज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड इजैक्टड फ्रॉम द हार्ट। जदों ब्लड इजैक्ट होंदा हार्ट तो, दिस इज़ अ कार्डियक आउटपुट। नैक्सट, वट इज़ द अप्रोक्सीमेट स्ट्रोक वॉल्यूम। अप्रोक्सीमेट स्ट्रोक वॉल्यूम किन्ना होंदा? 70 ml इज़ द अप्रोक्सीमेट स्ट्रोक वॉल्यूम। वट आर द शॉर्ट टर्म ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। सो शॉर्ट टर्म ब्लड प्रेशर रेगुलेशन केड़े होंगे? बैरोस्पेटर, कैमोरिसेप्टर आर द शॉर्ट टर्म ब्लड प्रेशर। वट इज़ द फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का फंक्शन यूनिट की होंगे? नैफ्रोन। नैफ्रोन इज़ द फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। 18th, वट इज़ द फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। सो गॉल ब्लैडर का की फंक्शन है? रेजरवॉयर फॉर बाइल। रेजरवॉयर फॉर बाइल इज़ द राइट आंसर। नैक्सट 19th, वट आर द फंक्शंस ऑफ स्टमक। सो स्टमक दे की फंक्शन होंगे? केमिकल डाइजेशन करता, सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एंड इंट्रेंसिक फैक्टर, दीज आर द फंक्शंस ऑफ स्टमक। 20th, वट आर द फंक्शंस ऑफ किडनी। फंक्शन की है किडनी का? वाटर बैलेंस एंड यूरिन फॉर्मेशन करना। 21th, वट इज़ द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की होंगे? सोल्जर जॉइंट नू कहा जाता बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। वट आर द टोटल नंबर ऑफ टीथ इन अ परसन। किन्ने टीथ होंगे? 32। नैक्सट, वट इज़ द अनदर नेम फॉर लेरिंग्स। अनदर नेम की होंगे लेरिंग्स का? वॉइस बॉक्स। लेरिंग्स नू की होर कहा जाता? वॉइस बॉक्स, जितों अपनी वॉइस प्रोड्यूस होंगी है। वट आर द फंक्शंस ऑफ ट्रेकिया। फंक्शन की है ट्रेकिया का? वार्मिंग, ह्यूमिडिफाइंग एंड फिल्टरिंग एयर करना। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ ट्रेकिया। नैक्सट, वट आर द फंक्शंस ऑफ सलाइवा। सलाइवा का की फंक्शन है? डाइजेशन करनी, लुब्रीकेशन ऑफ फूड नू लुब्रीकेट करना, दीज आर द फंक्शंस ऑफ सलाइवा। नैक्सट, विच विल रिड्यूस द ब्लड कैल्शियम लैवल।
ਕੀ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਬਲੱਡ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਲੈਵਲ ਕੈਲੀਟੋਨਿਨ ਕੈਲੀਟੋਨਿਨ ਕਰਦਾ ਰਿਡਿਊਸ ਦਾ ਬਲੱਡ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਲੈਵਲ ਨੈਕਸਟ ਵਟ ਇਜ਼ ਗਸਟੇਸ਼ਨ ਗਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈਂਸ ਆਫ ਟੇਸਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੇਸਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੈਂਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਦੀਸ ਨੋਨ ਐਸ ਗਸਟੇਸ਼ਨ 28th ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਲਿੰਫ ਔਰਗਨਸ ਲਿੰਫ ਔਰਗਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਪਲੀਨ ਥਾਇਮਸ ਸਪਲੀਨ ਐਂਡ ਥਾਇਮਸ ਆਰ ਦਾ ਲਿੰਫ ਔਰਗਨਸ ਨੈਕਸਟ ਵਟ ਇਜ਼ ਪਲਮਨਰੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਪਲਮਨਰੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਲੱਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਆਫ ਦਾ ਹਾਰਟ ਟੂ ਦਾ ਲੰਗਸ ਐਂਡ ਬੈਕ ਫਰੋਮ ਦਾ ਲੈਫਟ ਆਰਟਰੀਅਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਲਮਨਰੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਲੱਡ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਆ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਤੋਂ ਹਾਰਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਲੰਗ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੈਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਬੈਕ ਫਰੋਮ ਦਾ ਲੈਫਟ ਆਰਟਰੀਅਮ ਸੋ ਦੀਸ ਆਰ ਦਾ ਪਲਮਨਰੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੈਕਸਟ 30 ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਲਿੰਫ ਔਰਗਨ ਇਨ ਦਾ ਬੋਡੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਲਿੰਫ ਔਰਗਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਪਲੀਨ ਸਪਲੀਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਲਿੰਫ ਔਰਗਨ ਇਨ ਦਾ ਬੋਡੀ ਨੈਕਸਟ ਵਟ ਇਜ਼ CNS CNS ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਐਂਡ ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਡ 32 ਵਿਚ ਵਿਲ ਸਕ੍ਰੀਟ ਦਾ CSF ਕੌਣ ਸਕ੍ਰੀਟ ਕਰਦਾ CSF ਨੂੰ ਕੋਰੋਇਡ ਪਲੈਕਸਿਸ ਸਕ੍ਰੀਟ ਦਾ CSF 33 ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੋਰਮਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ CSF ਇਨ ਦਾ ਬੋਡੀ ਕਿੰਨੀ ਨੋਰਮਲ ਅਮਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ CSF ਦੀ ਇਨ ਦਾ ਬੋਡੀ 120 ml ਨੋਰਮਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ CSF ਇਨ ਦਾ ਬੋਡੀ 34th ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਂਸਰੀ ਨਰਵ ਆਫ ਸੈੱਲ ਸੈਂਸਰੀ ਨਰਵ ਆਫ ਸੈੱਲ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਆਲ ਫੈਕਟਰੀ ਨਰਵ ਸੈਂਸਰੀ ਨਰਵ ਆਫ ਦਾ ਸੈੱਲ 35th ਵਟ ਇਜ਼ ਪਰਮਨਰੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਲੱਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਟੂ ਦਾ ਹਾਰਟ ਟੂ ਦਾ ਲੰਗਸ ਐਂਡ ਬੈਕ ਫੋਰ ਦਾ ਲੈਫਟ ਆਰਟਰੀਅਮ ਸੋ ਦੀਸ ਆਰ ਨੋਨ ਐਸ ਪਲਮਨਰੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ So today I will discuss these are the questions very important MCQs please watch the full video and clear your exam thank you bye bye